अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संचालक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और जमाई था। अलाउद्दीन युवा काल से ही बड़ा साहसी और मन चला युवक रहा था। उसने राज हड़पने के लिए अपने ही चाचा और ससुर जलालुद्दीन का भी कत्ल करवा दिया था। दोस्तों, उसे राज विस्तार और सुंदर औरतों का बड़ा चाव था, इसलिए उसने 1330 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की खूबसूरत रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि उसने लंबे युद्ध के बाद चित्तौड़ को तो जीत लिया, लेकिन वो रानी पद्मावती को नहीं पा सका था, क्योंकि रानी ने अपनी दासियों और तमाम महिलाओं के साथ जोहर कर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, ऐसा नहीं कि खिलजी पहली बार किसी सुंदर रानी पर मोहित हुआ हो, इससे पहले भी वह कई सुंदर औरतों को उनकी सुंदरता की वजह से अपनी बेगम बना चुका था। दोस्तों, गुजरात युद्ध में गुजरात के राजा को हराने के बाद वहां के राजा की सुंदर रानी कमला देवी को भी उसने अपनी बेगम बना लिया था। दोस्तों, गुजरात युद्ध में खिलजी के सेनापति के हाथ एक हिंदू दास काफूर भी लगा था, जिसका बाद में धर्म परिवर्तन करके उन्होंने अपने पास उसको रख लिया था, जिसका नाम बाद में मलिक काफूर रखा गया, जिसने बाद में अलाउद्दीन के लिए दक्षिण भारत के कई राज्यों पर विजय पाई। दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में हम आपको रहस्य, रोमांच और इतिहास की सच्ची घटनाओं से अवगत कराते हैं। मित्रों, अगर आप भी इस तरह की एक्सक्लूसिव स्टोरीज को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।